हेलो स्टूडेंट, एनडीए 2019 का पेपर मैथ्स का आ चुका है। अभी ये पेपर हुआ है, मैंने अभी पेपर देखा है, एक बहुत ही ऊपरी निगाहों से पेपर देखा है। अब मैं आपके साथ डिस्कस भी करूंगा और पेपर को देख के जो मुझे फील हुआ है मैं बता दूं कि नॉर्मली पेपर जितने एनडीए के सिंपल आते हैं वैसा नहीं है। थोड़े से क्वेश्चन ऐसे हैं जो टाइम कंज्यूमिंग हो सकते हैं और इस पेपर में अगर आपने सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन अच्छे से नहीं किया होगा तो हो सकता है आपके अटेम्प्ट कम हो। तो ये पूरा पेपर सिलेक्शन ऑफ अटेम्प्ट के ऊपर है। इनफैक्ट लास्ट जो मेरा ऑल द बेस्ट मैसेज भी था उसमें भी मैंने यही बात बोली थी कि अगर आपका सिलेक्शन अच्छा हुआ तो आप पेपर बहुत अच्छा देंगे और आई होप कि आपने ऐसा ही किया होगा। और आपने ऐसा किया होगा तो आई एम डैम श्योर कि आपने बहुत अच्छा पेपर किया होगा। अब कुछ चीजें मैं बता दूं जो पेपर को देख के समझ में आता है कि कुछ टॉपिक के हैं। मतलब मैंने एक और बात बोली थी कि भले ही आपका फेवरेट टॉपिक हो पर हो सकता है कि उसके क्वेश्चन भी टाइम कंज्यूम कर रहे हैं। यानी अगर हम यहां पर देखें तो चाहे फिर वो ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, चाहे फिर वो कैलकुलस की बात करें, चाहे वो कोऑर्डिनेट की, कुछ क्वेश्चन सिंपल है, कुछ टफ क्वेश्चन है, यानी कुछ क्वेश्चन में टाइम कंज्यूम हो सकता था। अभी इस पेपर को देख के समझ में आता है कि जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। मुझे लगता है अभी ऑब्वियसली जब पूरा पेपर सॉल्व करूंगा तो और अच्छे से आपको बता पाऊंगा। इनफैक्ट कंप्लीट पेपर सॉल्व करने के बाद जब मैं एक बार पूरा पेपर सॉल्व कर लूंगा तो मैं आपको इस पेपर का एक बार फाइनली एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी दूंगा। इसके अलावा क्योंकि हम पेपर्स को धीरे धीरे सॉल्व करेंगे मैं पेपर का सॉल्यूशन का अप्रोच बिल्कुल वही रखूंगा जिस ऑर्डर में मैं सोचता हूं आपको करना चाहिए। अच्छी बात यह कि अभी इसके जो क्वेश्चन देखे सारे क्वेश्चंस क्लास में किए गए कवर हैं, यानी ऑनलाइन वाले बच्चों को या क्लासरूम वाले बच्चों को मुझे लगता है प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए अगर उन्होंने प्रॉपरली स्टडी की थी। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, क्विक रिवीजन का भी आपको फायदा मिला मिलेगा इस पेपर में। और अब इस पेपर के सॉल्यूशन का या इस पेपर को मैं पूरा कंप्लीट सॉल्व करूंगा आपके साथ। जीएटी भी आपको मिलेगा सॉल्यूशन पेपर आने के बाद। कुछ बातें बताना चाहूंगा, इस पेपर का पीडीएफ हमने अपनी वेबसाइट impetusgurukul.com पे रखा हुआ है। आप इस पर विजिट करके पेपर डाउनलोड भी कर सकते हैं, आंसर की भी ले सकते हैं। तो आपको यहाँ पे पेपर मिल जाएगा, साथ में सार ए बी सी डी चारों साइड के आंसर्स भी प्रॉपरली मिल जाएंगे। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे इंपिटस गुरुकुल की टीम कि मैथ्स में भी, मैथ्स पूरा मैं ही सॉल्व करूंगा, मैथ्स में भी और जीएटी में भी आंसर्स हाईली एक्यूरेट हों। फिर भी हो सकता है बाई चांस किसी कारण से कोई क्वेश्चन अगर आपको मैं गलत बोल दूं या गलत आपको आंसर दे दिया हो तो आप वो बिल्कुल बताएं मुझे, मैं उसको इमीडिएटली करेक्ट करने की कोशिश भी करूंगा। तो ऐसा नहीं होगा पर फिर भी कोशिश ये की जाएगी कि आपको 100% मिले। और लास्ट थ्री जो एनडीए के पेपर सॉल्व किए वो 100% आपको एक्यूरेट आंसर के साथ दिए थे और यही कोशिश यही प्रयास किया जाएगा। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, ये पेपर ऐसा है कि अगर आपने 50 के आसपास नेट राइट किए तो मैं बिल्कुल श्योर हूं, मतलब 50 अगर आपका स्कोर 120 प्लस है तो अभी पहली बार मैं जो पेपर देख के बोल सकता हूं कि अगर 120 के आसपास आपका स्कोर है तो आप मैथ्स का कट ऑफ 100% क्लियर कर लेंगे। हो सकता है उससे भी कम जाए। पेपर के सॉल्यूशन के साथ और भी चीजें समझ में आएंगी। अब मैं पेपर का सॉल्यूशन बिल्कुल उसी मेरे हाथ में सी सेट है, मैं पेपर का सॉल्यूशन आपके साथ बोलूंगा। पेपर को मैंने आपको बताया था चार राउंड में करना। पहला राउंड होना चाहिए स्कैनिंग का, 10 मिनट आपको स्कैनिंग के देने थे और स्कैनिंग करते समय आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना था जो क्वेश्चन आपको लगता है कि आप बहुत इजीली कर सकते हैं या जिनको एक ही स्टेप में कर सकते हैं। जैसे इसमें अगर हम सेट सी का क्वेश्चन नंबर 1 ही देखें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। लेट ए बी सी, मैं क्वेश्चन बोलता हूं भी चलूंगा, आपके पास पेपर होगा। लेट ए बी सी बी इन ए पी, के नॉट इक्वल टू 0, बी आर रियल नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको पता है कि अगर ए बी सी ए पी में है तो के ए के बी के सी आर इन ए पी, ये पहला क्वेश्चन पूछा है राइट। फिर बोला है के माइनस ए के माइनस बी के माइनस सी राइट एंड के माइनस सी आर इन ए पी, ये दूसरा स्टेटमेंट है। तीसरा है a बाय के बी बाय के एंड सी बाय के आर इन ए पी। तो आपको पता है कि ए पी में किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें, एडिशन कर दें, सब्ट्रैक्शन कर दें, सीरीज ए पी में ही रहती है, बस k नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी यही आपसे बोला गया है। तो इसका मतलब ऑल आर करेक्ट, 1 2 3 ऑल आर करेक्ट। तो इसका आंसर होगा पहले क्वेश्चन का आंसर, इसका आंसर होगा डी 1 2 एंड 3
राइट आपको भी पता है, अगर मैं बोलूं 3, 5, 7 एपी में है, मान लो के है 2, तो देखिए आप जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है 6, 10, 14, दिस इज एपी। ये समझाने के लिए बता रहा हूं, ये सब चीजें पढ़िए। कोई चीज के साथ माइनस कर दें तो भी एपी, डिवाइड कर देते तो भी वही होता, 3/2, 5/2, 7/2, सबट्रैक्ट करते तो सेम रिजल्ट मिलता। राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। देखिए अब फर्स्ट क्वेश्चन के बाद अगर हम सेकंड क्वेश्चन भी देखें तो ये कहलाता है स्केलिंग राउंड। स्केलिंग अगर आपने पेपर की है तो स्केलिंग करते करते जो क्वेश्चन सिंपल लगे, अब देखिए आप समझिएगा मैं आपको पेपर समझा रहा हूं और बोर्ड पे लिख रहा हूं, इसलिए मुझे बताना है, अदरवाइज क्वेश्चन नंबर 1 को ये पेन भी यूज नहीं करना था। आपको पता है किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई डिवाइड एडिशन सबट्रैक्शन से सीरीज एपी में रहती है, देन डायरेक्टली आप इसका आंसर मार्क कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर अगर हम 2 को देखें तो इस क्वेश्चन की मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स के साथ प्रैक्टिस करवाई थी, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 4, 2 डिजिट के ऐसे कितने नंबर होंगे जो डिविजिबल बाय 4 होंगे, सिंगल स्टेप में कर सकते हैं, 100 डिवाइडेड बाय 2, 25 माइनस 2 इज 23, राइट। अब 4, 8, 2 डिजिट के बोले हैं तो 3 डिजिट का नहीं लेंगे, तो अब आपसे क्या क्या मिस्टेक हो सकती है समझिएगा। ये 25, अब 100 भी होता है, 4 और 8 भी होता है, ये नहीं लेना है, तो करेक्ट आंसर इज 22, तो 22 इज द राइट आंसर। राइट, क्या करना है क्वेश्चन में समझ लीजिए मेथड से। सबसे पहले 2 डिजिट का लीस्ट नंबर 10, हाईएस्ट नंबर 99, टेक्निक्स आपको याद होगी, मैंने बताया था सिंपल, 99 में 4 का डिवाइड करिए 24 पॉइंट समथिंग, 10 में 4 का डिवाइड, सॉरी 9 में 4 का डिवाइड कर लीजिए 2 पॉइंट समथिंग, 24 माइनस 2 किया तो कितना आ गया 22, तो इसका आंसर होगा 22, देन बी इज अ 22। अब इसमें देखिए ऑप्शन ऐसे दिए थे 21, 22, 24, 25, आपने 100 डिवाइडेड बाय 4 किया तो 25 मिलेगा, एक आंसर 25 दिया, आप हो सकता लगा दे। याद रखिएगा 100 3 डिजिट का नंबर है, 4 और 8 सिंगल डिजिट के, ये 3 नहीं होंगे, इसके अलावा बीच के सारे नंबर होंगे। देन अगेन ये बिल्कुल टोटल मेंटली राउंड वाला क्वेश्चन था, आपको समझाने के लिए स्टेप्स लिखनी, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं पड़ती। नोट करिए क्वेश्चन को। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। देखिए लेट एस एन बी द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी इफ एस टू एन इक्वल टू 3n + 14n² देन व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस। अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट राउंड में मेंटली बिल्कुल कर सकते हैं, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर एस टू एन दिया है, याद रखिएगा एस एन का मतलब क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। यहां पर एक चीज छोटी सी ध्यान रखना है कि अगर मैं एन की जगह 1 रखूंगा, एन की जगह 1 रखूंगा तो मुझे सेकेंड टर्म मिलेगा जो कि होगा 1 रखा है तो 3 + 14 यानी 17। अब अगर मैं एन की जगह हाफ ले लू तो ये एस 1 हो जाएगा और देखिए क्या आएगा 3/2 + 7/2 यानी 10/2, 10/2 मतलब 5, यानी एक तरह से फर्स्ट टर्म है 5, एस 2 का मतलब क्या होता है फर्स्ट ऑफ टू टर्म, देन फर्स्ट ऑफ टू टर्म है 17, तो 17 माइनस 5 करिए तो 12, यानी सीरीज ऐसी है 5 12, राइट, फिर 7 ऐड करो 19, फिर 26 एंड सो ऑन। अब आपसे कॉमन डिफरेंस पूछा है तो 12 माइनस 5 करेंगे तो कितना 7, दिस इज द राइट आंसर। बाकी आपके कई बार आपको ऐसा लगता है इनका 1/2 क्यों रखता है, क्योंकि फर्स्ट टर्म निकालना था, अगर मैं इनकी जगह 2 रखता तो देखिए क्या होता, 2 रखता तो 4 मिलता, 6 + 2 का स्क्वायर 4, 14 4 जा 56, ये होता 62। आपको कॉन्फिडेंस चाहिए तो आप इसको ऐड करके देख लीजिए, अभी पता चल जाएगा। ये देखिए 28 + 20 ये हो गया कितना 38 ये हो गया 38 + 24 = 62, दिस इज द सम ऑफ 4 टर्म। तो आप इस तरह से क्रॉस चेक कर सकते हैं, पर यहां पर इस क्वेश्चन को इजीली इस ढंग से सॉल्व किया जा सकता था। नोट कर लीजिए क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है और क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे करेंगे। ये देखिए बाय चांस मेंटल राउंड में काफी सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, सिंगल स्टेप, इसलिए करते हुए चलेंगे हम। अब फोर्थ क्वेश्चन में देखिए क्या है, इफ थर्ड टर्म, और ये फिर बता रहा हूं, ये बोर्ड पे आपको समझाने के लिए लिखता हूं, थर्ड टर्म
8 टर्म एंड 13 टर्म ऑफ एन जीपीआर पीक्यूआर पीक्यूआर तो रिलेशन पूछा है. थर्ड टर्म क्या होता है? ए आर स्क्वायर ए आर पावर 7 इज क्यू, ये क्यू है और 13 टर्म है ये ए आर पावर 12 इक्वल टू आर. देखिए फिर समझिए, थर्ड टर्म 8 टर्म एंड 13 टर्म ऑफ जीपी पी क्यू आर देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट और एन टर्म का फॉर्मूला ये होता है. अब आपको इसका रिलेशन देखना है. अगर आप ध्यान दें तो इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूं तो लॉजिक से ये पावर 14 हो जाएगी या ए स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर इसके बराबर हो जाएगा नहीं, क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर. ये डायरेक्ट रिलेशन आ गया, क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर. समझिए आपने क्या करा, पी आर करा ए आर स्क्वायर इंटू ए आर पावर 12 ए स्क्वायर आर पावर 14. इस तरह के क्वेश्चन हमने किए हैं का होल स्क्वायर एंड दिस इज क्यू देन क्यू स्क्वायर. राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन दो जो दिए हैं वो क्वेश्चन बिल्कुल भी लेंदी नहीं है, टफ नहीं है, पर कभी कभी इनमें कंफ्यूजन होता है, टाइम कंज्यूम करते हैं. मैं पेपर एनालिसिस आपके पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहा हूं तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि मेंटल राउंड में इनको ना करें. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. देखिए अब ये क्वेश्चन आपको याद हो, जब मैंने मॉड की डेफिनेशन बताई थी ये पहला क्वेश्चन ही यही लिखा था बोर्ड पर. क्विक रिवीजन क्लास में भी ये वाला कंसेप्ट बताया हुआ था. अगर ध्यान हो कि इसके नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन तो एक सेकंड में जीरो, क्योंकि तीन पॉजिटिव का सम जीरो नहीं हो सकता. यहां पर देखिए क्या दिया है, हाउ मेनी रियल रूट्स डज द इक्वेशन एक्स स्क्वायर 3 मॉड एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0. इसका मतलब यह हुआ कि तीन पॉजिटिव का सम जीरो नहीं हो सकता. जीरो, आपको पता है जब आप ऐसे क्वेश्चन सिलेक्ट करते जाते हैं सिंपल क्वेश्चंस और बनने लगते हैं, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ते हैं, गलत सिलेक्शन से कई बार प्रॉब्लम होती है. इसलिए सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट, प्रिपरेशंस, फाउंडेशन, बेसिक, इन सब पे बहुत अच्छे से वर्क करना चाहिए. तो इसका आंसर हुआ जीरो, इसका करेक्ट आंसर हुआ जीरो. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. अब देखिए अगला क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का है, सिंपल है बट स्टेटमेंट बेस्ड है, बाद में देखेंगे. पहले हमारा ऑर्डर होना चाहिए कि हम बिल्कुल, मैं पूरे 120 क्वेश्चन ही डिस्कस करूंगा, पूरे पूरा सॉल्यूशन जरूर देखिएगा, उससे आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, समझ में आएगा कि ऑर्डर ऑफ टाइम में कब क्यों छोड़ा है, कहां पर क्या क्या कंफ्यूजन हो सकता है. अब देखिए ये क्वेश्चन जो है वो सिंपल है, 2, 4, 6, 8 अप टू 20 आपसे बोला लेट एस इज व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेट डज इट कंसर्न. नंबर ऑफ सबसेट होता है 2 पावर n, n नंबर ऑफ एलिमेंट. यहां पर इवन टर्म है, एकदम 20 देख के 20 ना लगा दें, आपको 2 पावर 20 खैर दिया भी नहीं है पर ध्यान रखिए, तो 2 पावर 10 दिस इज 1024. राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, सिंपल सा क्वेश्चन है. अब क्वेश्चन देख के ये ध्यान रखिए, जैसे क्वेश्चन है कॉसेक थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है. अभी मेंटल राउंड चल रहा है इसलिए हम किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को नहीं, जो सिंपल आएंगे वो करते चलेंगे. अब यहां पर एक थीटा मेंशन है 0 to 90, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट प्रॉब्लम खत्म. और कॉसेक थीटा कभी भी दिया तो ये 29, ये 21, पाइथागोरस थ्योरम से 841 माइनस 441, देखिए कितना सिंपल कर दिया इन्होंने, सेम सब्ट्रैक्ट करा 400 यानी ये 20 हो गया. आपसे पूछा क्या है, पूछा है 4 sec थीटा प्लस 4 tan थीटा, ये आपसे पूछा. मतलब लॉजिकली देखें तो 4 बाहर निकाल लो तो 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा पूछा है, क्योंकि ये 1 अपॉन cos sin अपॉन cos. राइट, अब बस वैल्यू रख दीजिए 4, 1 प्लस sin कितना 21/29 अपॉन 20/29. Yes or no? अब आपको पता है ये 29 एलसीएम लेंगे तो बाद में कैंसिल हो जाएगा, तो 4 इंटू 50 अपॉन एक तरह से 20, ये कैंसिल 0 से, ये 2 टाइम कैंसिल, तो नेट आंसर इज 10. 10 इज अ राइट आंसर. यानी ये वो क्वेश्चन है जिनको आपको पहले राउंड में देखना भी और अटेम्प्ट भी करना है. मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से किया और अभी मैं आपको बताते चल रहा हूं कि आप एक घंटे में, आप मेरा जो पेपर का सोल्यूशन टाइम है पहले 50 क्वेश्चन में, आप ओवरऑल टाइम देखेंगे तो आपको मुश्किल से एक घंटे में ही, आपको एक घंटे में 50 से ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी सही टेक्निक के थ्रू. इस क्वेश्चन को नोट करिए. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए क्या है, और बिल्कुल याद रखिएगा सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, बार बार ये वर्ड इसलिए बोल रहा हूं कि आप में से कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनने पहली बार दिया हो, नेक्स्ट टाइम ऐसी कभी मिस्टेक ना हो, ध्यान रखें. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
जैसे अगला ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है टेन थीटा कॉट थीटा वाला, उसमें हल्का सा टाइम लग सकता है, कंफ्यूज हो सकता है, तो लीव दिस क्वेश्चन। कंफ्यूजन पहले एक घंटे में बिल्कुल नहीं रखना है। देखिए व्हाट इज टेन टू टेन इनवर्स वन बाय थ्री, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है। आपको पता है टेन वर्स टेन वर्स कैंसिल, कोशिश करा करें मेंटली करें, टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज टू बाय थ्री एंड एट बाय नाइन, यस और नो, ये थ्री टाइम कैंसिल, ये फोर, यानी थ्री बाय फोर इज अ राइट आंसर। अब मैं आपको स्टेप बता देता हूं, आपको पता है कि टू टेन वर्स एक्स का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, बस लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। स्टेप कम से कम लिखनी, जो मिनिमम लिखनी है वो क्या है वो पता होना चाहिए। 10 से 10 वर्स कैंसिल, तो 2 बाय 3 8 बाय 9, यानी 2 बाय 3 इंटू 9 बाय 8, राइट। ये कैंसिल 3 टाइम, ये कैंसिल 4 टाइम, आंसर इज 3 बाय 4। पर ये स्टेप्स नहीं लिखनी है पेपर में, इन्हीं स्टेप्स को हमें सेव करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है, एक रूट वाला है पर उसको हम बाद में करेंगे, पहले हम देख एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आएंगे इस पे। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, समझिएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 6 प्लस 101। सिंपल लॉजिक है, ऑड टर्म 135 अप टू 101 माइनस ऑफ इवन टर्म 2, 2, 4, 6, ये इवन टर्म अप टू कहां तक, 100 तक, राइट। अब आपसे इसमें जो पॉसिबल है या जो मिस्टेक हो सकती वो समझाना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप गड़बड़ कर सकते हैं। क्या मिस्टेक हो सकती है कि यहां पर नंबर ऑफ टर्म टोटल 101 है, ये टोटल टर्म है 51 और ये टोटल टर्म है 50, 50 50 ना ले ले, एक बात। दूसरी बात, सम ऑफ इवन टर्म होता है n इंटू एन प्लस वन इवन का, और सम ऑफ ऑड टर्म होता है n स्क्वायर। इसका मतलब यहां पर आप लिखेंगे 51 का स्क्वायर माइनस 50 इंटू 51। कैलकुलेशन ना करें एकदम से, पहले 51 कॉमन ले ले, तो 51 माइनस 50 देखिए कितना इजी हो गया, 51 कॉमन लिया तो 51 माइनस 50 देन आंसर इज 51। अब आपने अगर इसमें कैलकुलेशन करने की कोशिश की तो आप अननेसेसरी अपना टाइम बढ़ा लेंगे। यही छोटी छोटी चीजें हैं जो ध्यान रखने वाली होती है पढ़ते समय भी, और जहां पढ़ना है वहां पर ऐसी छोटी छोटी चीजें बहुत अच्छे से कवर हो तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। फिर देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो इसका आंसर हुआ 51A। इसके बाद एक सेट थ्योरी का प्रॉपर्टी बेस्ड सीधा फॉर्मूला, बट फिर जहां जगह की कहीं उलझ सकते हैं वहां पर आप उस क्वेश्चन को बाद में देखिए। देखिए इफ द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म, एक तरह से एक और वाला आ गया, इन द सीरीज इफ द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ अ सीरीज एन प्लस 12 देन व्हाट इज इट थर्ड टर्म। थर्ड टर्म पूछा है, थर्ड टर्म क्या होगा, एस थ्री माइनस एस टू, थ्री रखो तो 15 माइनस 14, वैसे भी समझ में आ रहा है, 12 को छोड़ ही दो आप, 12 सबका कॉमन है, तो थर्ड टर्म मतलब 3 माइनस 2, आंसर इज 1। एक सिंगल सेकंड में आप आंसर दे सकते हैं, राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन,